कैसे हैं आप सब। आज हम यहाँ बैठे हैं, धार धूप में बहुत अच्छी निकल रही है, ठंड में बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर हमने जला रखा है ये चूल्हा, तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे बड़ी की कड़ी। ये जो दाल की बड़ियाँ होती हैं, ये देखिए, इससे बनाएंगे हम कड़ी। पहाड़ में यहाँ पर बोलते हैं झोली, तो आइए हम बनाते हैं आज झोली। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो तेल गर्म होगा, सबसे पहले हम इसमें भूनेंगे ये लाल मिर्च, इनको अच्छे से भून के रख लेंगे, साइड में निकाल के रखेंगे हल्के हल्के आंच पे, इसको अच्छे से भूनेंगे। और अब हम डालेंगे ये बढ़िया, इनको भी भून लेंगे तेल में। चला दिया मैंने, सबसे पहले हमने यहाँ पर डाल दिया है आ रही है प्याज और लहसुन अदरक, उसमें अच्छे से भून लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करें बेसिक मसाले, हल्दी और मिर्चा, धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाले अच्छे से भून जाएं, जलेंगे नहीं, और इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। मिर्च कम अच्छी बन गई। धुआं भी लग रहा है यार, धूप भी लग रही बहुत तेज। दस आग तो बुझ गई यार, बंद कर दूं? बंद कर दूं? हाँ कर दो। मसाला पकने तक अच्छी तरह से इनको भी पकाएंगे। मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है यहाँ पर, जब तक ये ऑयल अच्छे से ना छोड़ दे अपना प्रॉपर मसाला, जैसे हम सब्जी का बना करके तैयार करते हैं सेम उसी तरह से हमें ये मसाला भी तैयार करना है। यार बहुत धुआं भी लग रहा है, धूप भी। देखिए मसाला कितने अच्छे से भून चुका है, सारा ऑयल अलग हो गया है, आप देख सकते हो। यार बहुत धुआं लग रहा है। चलो ये आप देखिए, ये मसाला अच्छे से भुन गया है। और अब हम डालेंगे यहाँ पर बेसन, जो हमने दही के साथ मिक्स करके अच्छे से रखा हुआ है, और इसमें डाल देंगे हम ये दही और बेसन को मिक्सी में चला के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हम फटाफट इसमें पानी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अभी हम इसमें और पानी डालेंगे क्योंकि पानी कम है अभी इसमें, और हम जब तक इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छा सा उबाल नहीं पड़ जाए। अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो फट जाती है ना कड़ी, जो फटी फटी सी रहती है वो इसी वजह से रहती है। और जो यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे वो इसमें एक अच्छा सा उबाल आने के बाद यहाँ पर हम नमक डालेंगे। अगर हम पहले नमक डाल देंगे तो हमारी कड़ी जो है वो फट जाएगी। तो चलिए फटाफट इसको चलाते रहेंगे लगातार ऐसे एक अच्छे से उबाल के लिए। आग भी अच्छे से जल रही है, देखिए लगभग पौना घंटा हो चुका है। कड़ी देखिए आराम से धीरे धीरे पक रही है, और कुछ ही देर में ये पक करके तैयार हो जाएगी। जब तक अंदर हम गैस पे बना रहे हैं भात, तो बस वो भी पक रहा है। हमारे यहाँ ऐसी कड़ी शादी ब्याह में बनती है, मिथौरी बोलते हैं, मिथौरी कड़ी, जो ये दाल वाली मिथौरी होती है ये डाल के बनाई जाती है हमारे यहाँ शादी के मंडप में। तो आज हम ये कड़ी भात खा के शादी वाला फील लेने वाले हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को बनाएं। इस मुंगौड़ी को बहुत सारे लोग आलू में भी डाल के बनाते हैं, कई तरह से इस मुंगौड़ी को बनाया जाता है। बनाएं आप लोग, एंजॉय करें। तो ये है गर्मा गर्म झोली और चावल, मस्त। तो चलिए अब हम लंच करेंगे। ओके मिलते हैं बन कुछ देर के बाद। पीछे को पीछे जय डाक है।
सबसे ज्यादा लड्डू तो देना है। अपनी अपनी प्लेटें पकड़। नींबू मिल गया भाई। नींबू 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 बस 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 नींबू नींबू किसी से मिला ना बस। वो तो कह रहा है ना मैं स्नाइपर है। मंजू भी तो है भी। और तो ये तो निकला। और सिर्फ की क्लास कर लेता। ये हुई हमारी नींबू पार्टी। क्या पार्टी? यही नहीं करता वो। चू पार्टी। पार्टी है। चू पार्टी। डाल फूल डाल। अब लग रहा। अरे बेचारे की टीवी कम यार। कैसा है? और लो। अरे वाह मजा आ गया। कैसा लगा? इतने अच्छे क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन दे रहा है रौनक है। अरे 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 सुनो तो क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? मजा आ रहा उसको अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो चुकी है रात और हम आ गए हैं घर के अंदर। चूक पार्टी हमारी खत्म हो चुकी है और अभी हम आए हैं घर के अंदर। तो अब डिनर वगैरह बनाने की तैयारी करेंगे। तो जो लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सबसे पहले प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिस तरह से हमने चूक की चाट बनाई आप लोग माल्टे की चाट बना सकते हैं। इससे पहले हमने माल्टे की चाट का एक वीडियो डाला हुआ जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। सच में एक बार आप ट्राई जरूर करें। तो ओके बाय बाय टेक केयर। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। अथर्व का एक्सप्रेशन देखिए पीछे से।